सिलौटा में संपन्न हुआ बाढ़ से बचाव व राहत कार्यों का मेगा मॉक ड्रिल। शासन व जिलाधिकारी मोनिका रानी के निर्देश पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव व राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से तहसील मासी अंतर्गत ग्राम गोलागंज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के लिए तैयार पटकथा के अनुसार प्रातः 8 बजे आपदा नियंत्रण केंद्र में सूचना प्राप्त होती है। नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण मासी क्षेत्र से इमरजेंसी कॉल प्राप्त होते ही सभी अधिकारी इंसिडेंट कमांडर व प्लानिंग सेक्शन चीफ मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में घटना स्थल पर रवाना हो गए। बहुत ही डरे हुए सहमे हुए हैं और आशा लगा रहे हैं कि प्रशासन बहुत ही एडीएम श्री अवधेश मिश्र जी, पीसीएस मेडिकल ऑफिसर ऑब्जर्व करें। तीसरा हमारा सिक्वेंस ये रहेगा कि जो इसमें पशु प्रबंधन के बारे में बताया गया है तो पशु प्रबंधन में यह है कि वहां पर गांव में करीब 3-4 बकरी ऑब्जर्व करें। आग्रह करूंगा कि उनको एम्बुलेंस के माध्यम से फर्स्ट एड की कार्रवाई करने के पश्चात एडवांस केयर की जरूरत है तो हॉस्पिटलाइज करके उनको सरकार द्वारा एडीएम श्री अवधेश मिश्र जी, पीसीएस मेडिकल ऑफिसर अधिकारियों एवं उपस्थित जनमानस का इस प्रदर्शन स्थल पर एडीएम काम कर सके इसकी वजह से ये मॉक ड्रिल कराई जाती है। सभी को ये चीज क्लियर होना चाहिए और अभी अभी तुरंत दिखाई दे रहा है कि लोग एनडीआरएफ की टीम अपनी 2 बोटों के साथ 4 से 6 व्यक्तियों को 15 से 20 व्यक्तियों को काम कर सके। एक नहीं सब जो सामान देगी वो रखा दो दो है दो दो और भी नहीं है ये भी नहीं आ रहा एसी ब्रेक लेकिन एक आदमी और खड़ा हो गया दो दो बार कर लो नहीं एक और वो भी जोर से लेंगे हां तभी हो पाएगा।